नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। में राहुल ओझा आपके साथ। तेजस्वी यादव ने पटना स्थित 5 देश रत्न मार्ग को खाली कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी क्या कुछ इस मामले में नया मोड़ सामने आया है, वो इस खबर में आपको हम बताने जा रहे हैं। बंगला खाली कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ तेजस्वी यादव पर कई आरोप भी लगाए गए हैं। बता दें कि अब इस बंगले में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रहेंगे। इस बंगले को खाली करने के बाद अब इसकी हालत को लेकर कई सवाल सम्राट चौधरी के सहयोगी की ओर से उठाए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम के सहयोगी शत्रुघ्न की माने तो बंगले की हालत काफी खराब है। बंगले से सोफा सेट भी ले जाए गए हैं। वहीं उन्होंने बंगले में लगे एसी खोलने के साथ ही गमले भी ठेले पर लादकर ले जाने का आरोप लगाया है। तो देखिए, बंगले से कई जरूरी सामान गायब हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है। बता दें कि अभी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी इसमें गृह प्रवेश करेंगे। विजयादशमी की जो तारीख है वो रखी गई है, लेकिन इन सब के साथ साथ ये आरोप तेजस्वी यादव पर लगाए जा रहे हैं कि जब इस आवास में तेजस्वी यादव रह रहे थे और ऐसे में पूरी जो लिस्ट है वो भी भवन निर्माण विभाग को सौंपी गई, लेकिन कई ऐसे सामान हैं जो तेजस्वी यादव यहाँ से लेकर के चले गए, कई ऐसे सामान जो ठेले पर लादे गए और वहाँ से उसे ले जाया गया, जिसमें गमले हैं, जिसमें एसी भी बताया जा रहा है। और जो सम्राट चौधरी के सहयोगी हैं शत्रुघ्न, उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं वो आपको सुनाते हैं। और तो रहेंगे, लेकिन ये एक बार मोदी जी के समय सुप्रीम कोर्ट से भी लौट के आए, फिर भी खोलने में इतना विलम्ब किए। और बंगला के हिसाब देख लीजिए, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए वहाँ से टोटी यूपी में खोल के लगे गए थे, यहाँ जाके सोफा सेट और सब पूरे अति को देख लीजिए, पूरा एसी वगैरह सब खोल के ही ले गए। यहाँ तक कि हमने देखा अपने आंखों से गमला ठेला पर लाद लाद के ले जाते हैं। तो देखिए, ये डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सहयोगी हैं, शत्रुघ्न इनका नाम है, और उन्होंने आरोप, बड़े आरोप और गंभीर सवाल खड़े किए कि कैसे वहां से सोफा सेट को ले जाया गया, जो गमले हैं उसको ठेले पर लादे गए, उसको ले जाया गया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव कभी टोटी लेकर गए, ठीक वैसे ही तेजस्वी यादव ने ये काम किया है। तो बंगले से सोफा सेट ले जाने का आरोप लगाया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर तब की है जब भवन निर्माण विभाग के अधिकारी पहुंचे थे, वहां भी लिस्ट भी बनाई जा रही थी। बता दें कि यही वह आवास है जहां पर डिप्टी सीएम इस आवास में रहते हैं। पहले तेजस्वी यादव रहा करते थे, कभी तारकिशोर प्रसाद रहा करते थे, और अब जो यह आवास है वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया है, जिसमें गृह प्रवेश वो करेंगे। लेकिन इससे पहले कई गंभीर आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं कि आखिर यहाँ के सामानों को इधर उधर क्यों किया गया, यहाँ जो सामान थे उस सामानों को भी लेकर के अपने साथ तेजस्वी यादव चले गए, जो सामान ठेले पर लोड करवाए गए और वहाँ से सोफे हटा लिए गए। साथ ही आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो एसी है वो खोल लिए गए, और कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको इधर उधर किया गया है, और कई चीज़ों की स्थिति अभी भी ठीक नहीं है, यानी कि उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया गया। और 5 देश रत्न मार्ग से सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से आरोप शत्रुघ्न लगा रहे हैं, जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के सहयोगी हैं, इस आरोप को लेकर के अब क्या प्रतिक्रिया भी सामने आई है तेजस्वी यादव की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, अभी वहां क्या दृश्य है उस आवास पर? तो देखिए, शैलेंद्र से हम जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये खबर एक बार फिर से आपको बताते हैं कि गंभीर आरोप लगाए गए तेजस्वी यादव पर कि जब तेजस्वी यादव इस आवास में रह रहे थे, कई सामान ऐसे थे जिसका उपयोग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना यह आवास खाली किया, इस आवास खाली करने के साथ साथ कई सामान जो है वो लेकर के चले गए। आपको विजुअल के जरिए भी दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए क्या क्या हुआ है, अभी क्या स्थिति है। तो दीवार में तोड़फोड़ के आरोप लगाए गए हैं, ऑफिस की हालत खराब बताई जा रही है, जहां पर कुर्सियां आपको लगी हुई दिखाई दे रही होंगी, ऑफिस की हालत खराब है। शैलेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है हमारी? शैलेंद्र, तस्वीरें भी हम दिखा पा रहे हैं कि जो दीवारें हैं उसकी स्थिति ठीक नजर नहीं आ रही है, आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि वहां से एसी खोल लिए गए, वहां से जो गमले हैं वो लेकर के तेजस्वी यादव चले गए, अभी क्या स्थिति है?
तो देखिए संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम उस आवास की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां एसी सोफा और गमला हटाने का आरोप लगाया। शक्ति यादव हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता जुड़ गए हैं। शक्ति यादव जी, तेजस्वी यादव ने बंगला तो खाली कर दिया, लेकिन बंगला खाली करने के साथ साथ तेजस्वी यादव पर कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। शत्रुघ्न नाम है जो सहयोगी है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के, वो कह रहे हैं कि एसी खोल लिए गए, दीवार की स्थिति ठीक नहीं है, जो गमले हैं वो ठेले पर लाद करके लेके चले गए। इस तरीके के आरोप पर जवाब आपका क्या? अब कोई कम अक्ल का अज्ञानी व्यक्ति बिहार में डिप्टी सीएम बन जाए जिसको इतनी भी तमीज नहीं है कि भवन निर्माण विभाग जब चार्ज देता है और चार्ज लेता है उसका कागज नहीं पड़ा है क्या इन लोगों ने? इतना कम अक्ल लोगों को कैसे नीतीश कुमार जी ने बना दिया? यही काम इनके पूर्ववर्ती उपमुख्यमंत्री थे जो करते करते दुनिया से पर लोग उतार गए, मीडिया ट्रायल कराने का, मीडिया को लेकर के जाने का, दिखाने का। चमन्नी छाप सहयोगी से क्या बोलवा रहा है भाई? इसको इतनी भी सेंस नहीं है, ये तो पूरी तरह से अपने पद के योगी नहीं है कि पहले भवन निर्माण से पहले बुलेटिन जारी करवाए कि कितने सामान थे और कितने सामान नहीं है। नंबर एक, नंबर दो, हमारे पास वो सारे वीडियो है चार्ज लेने का और चार्ज देने का। इसको इतना भी कम अक्ल का आदमी को डिप्टी सीएम बने रहने का नैतिक हक खो दिया है आदमी? कहां से ऐसे लोगों को बना दिया भाई? नीतीश जी का निर्माण ही गजब है, रूल का कोई ज्ञान ही नहीं है, कैसे कैसे लोग को बना कर रखे हो भाई? बड़ा दुर्भाग्य है बिहार का। ये मीडिया ट्रायल है क्या? भवन निर्माण जारी करे? ये कम अक्ल लोगों को नहीं रहनी चाहिए जिसको मीडिया की भूख है, जिसको मीडिया का भूख है, जिसके पूर्ववर्ती को डिप्टी सिर्फ दुनिया में नहीं रहे उनको ही मीडिया का भूख था। रोज अनाप शनाप बोलते रहना, मीडिया में प्रकाशित करवाते रहना, अब बेसलेस चीजों को उससे पूछिए आप एक एंकर के रूप में कि भवन निर्माण विभाग को सामने खुल करके आकर के बोलनी चाहिए कि चार्ज देने वक्त क्या, भवन निर्माण के वक्त में क्या था भवन का और चार्ज देने के वक्त क्या था उससे पूछवाना चाहिए पहले, वहां से बुलेटिन जारी होनी चाहिए। जितना भी कम जब ज्ञान है तो काहे को डिप्टी सीएम भाई? किस बात का डिप्टी सीएम? इट मीन्स यू आर नॉट कॉम्पिटेंट ऑफ डिप्टी सीएम पोस्ट। आपको बर्खास्त कर देना चाहिए मुख्यमंत्री को ऐसे लोगों। शक्ति यादव जी, आरोप तो लगाए जा रहे हैं शत्रुघ्न की तरफ से, क्या ठेला मंगाया गया था? क्या शत्रुघ्न लादे गए? आपने कैसे उठा लिया? शत्रुघ्न कोई नेता है क्या? वो क्या है शत्रुघ्न? समन्वित छाप लोगों का आप खबर चलवा रहे हैं भाई जी आप लोग? अरे आप एप्लीकेशन का सस्ता लाइए तो आपके ऊपर सवाल न खड़ा होगा कल, भवन निर्माण न सवाल खड़ा करेगा। ये कौन होता है शत्रुघ्न? क्या है भवन निर्माण का सचिव है कि मिनिस्टर है? तो क्या ये आप तो ये मानते हैं कि जो लिस्ट तैयार भवन निर्माण विभाग ने किया कि हाँ जो सामान मौजूद था उस वो लिस्ट पूरी हुई है? दुर्भाग्यपूर्ण खबर को चलाने के पीछे एक ही बनता है, हरदिन तापाती फिर एक बार आज कोर्ट में भरपीटी है फर्जी लैंड फॉर जॉब के मामले में। आदरणीय तेजस्वी जी को, लालू जी को, सबको बेल मिला है क्योंकि सत्य कहीं पराजित नहीं हो सकता है। प्रशांत तुम कर सकते हो, जिन मामलों को सीबीआई की लीगल विंग ने मना किया था, बावजूद सत्ता बलात्कार पर सत्ता का दुरुपयोग करके अपने केस बनवाया, सप्लीमेंट्री पर सप्लीमेंट्री लाने की कोशिश की, अब ये किधर को छिपाने के लिए अब तुम ला रहे? चलिए बिल्कुल शक्ति यादव जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो 5 देश रत्न मार्ग मौजूद है उस आवास पर। शैलेंद्र, जो आरोप लगाए जा रहे हैं शत्रुघ्न की तरफ से जो सहयोगी है सम्राट चौधरी के, शक्ति यादव ये कह रहे हैं कि बिल्कुल बेबुनियाद बात है और इस बात को भवन निर्माण विभाग रखता कि क्या लिस्ट में है, क्या मिसिंग है, अभी क्या स्थिति है उस आवास की? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें इस आवास की, तो इस आवास को तेजस्वी यादव ने खाली कर दिया और सम्राट चौधरी को यह आवास हैंडओवर कर दिया गया है। लेकिन सम्राट चौधरी के जो सहयोगी हैं, जो लोग यहां पर हैं, उनका कहना है कि इसमें से कई महत्वपूर्ण सामान गायब है। हालांकि भवन निर्माण विभाग की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है और हम इसके बाद भवन निर्माण विभाग से भी बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि शक्ति यादव ने भी कहा है आरजेडी की तरफ से, उन्होंने कहा है कि भवन निर्माण विभाग को भी इस पर बोलना चाहिए। लेकिन जो सम्राट चौधरी के जो सहयोगी हैं जिन्हें बंगला हैंडओवर किया गया, उन लोगों से भी हम बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है। देखिए माननीय सुशील मोदी जी जब इसमें प्रवेश किए थे तो हम लोग आए थे और मीडिया के सभी लोग थे, सभी मीडिया के लोग थे और जाकर के मेन बिल्डिंग में देखे थे, वहां पर दो हाइड्रोलिक पलंग था,
वो देखने की, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, वस्तु स्थिति से अवगत करा रहा हूँ और दिखा रहा हूँ सच्चाई को। तो जो अभी बता रहे थे कोई आरोप नहीं है, लेकिन आप ये बताएं कि दोनों पलंग कहाँ गया? क्या ये देखिए वो सामने है, वो एसी कहाँ चला गया? ऐसा ऐसा कई एसी को मैं दिखाता हूँ। उतना ही नहीं, वो सोफा सेट क्या पालथी मार के बैठते थे पहले के पूर्व मुख्यमंत्री जी, या चटाई बिछा के सोते थे? एक भी पलंग उसमें नहीं है, सोफा सेट नहीं है, वो सब कहाँ गया? यही बता दे लोगों को, या मीडिया वाले के लोगों को, या आप लोगों को ला के वो दिखा दे कि यहाँ पर सब है। तो मेरा कोई आरोप नहीं है, हम आपको सब दिखा रहे हैं कि चौधरी चौधरी पास आए हैं श्रुति यादव जी, शायद आप शत्रुघ्न हमारे साथ भी लाइव जुड़े हुए हैं, उनका बयान आप सुन पा रहे होंगे कि देखिए जो पलंग है वो गायब है, सोफा गायब है, वो आरोप नहीं लगा रहे हैं लेकिन जो वस्तु स्थिति है उसको वो जाहिर कर रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे? लोगों को ला करके सामने खड़ा कर रहे हैं, ना कोई अधिकारी है, ना इसका कोई स्टेटस है, ना ये व्यक्ति भवन निर्माण का पदाधिकारी है कि नए नवेले ऐसे लोगों के जिसको मंत्री बनाया गया है, उसका सहयोगी बनाया है। डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी, दुनिया से चले गए, उन्होंने क्या हैंडओवर किया उस पत्र को पढ़ने का, ये पहले उन्होंने क्या हैंडओवर किया है उसको पढ़ने के लिए कहिए उनको। और जिसके तारकिशोर डिप्टी सीएम रहे थे, उन्होंने क्या क्या लिया था और क्या दिया था? कमाकुल लोग हाइड्रोलिक खोज रहा है, इनके पिताजी का था वो, क्या पहले बताएगा ना कि चार्ज में मिला है? वो बताया कि चार्ज में तेजस्वी जी को क्या क्या मिला? तेजस्वी जी बंगला में रहते थे, ऑफिस चलता है, इनको जानकारी है ऐसे लोगों को? कहां कहां से ला करके भाई भाई, ये तो भग पिटवा रहे हैं, दुर्भाग्य है ना। भवन निर्माण को सामने आके करने का ये सबका वीडियो मेरे पास है, बेआबरू करके रख देंगे बीच बाजार में, सामने जब वीडियो आएगा ये लोग का सर जानकारी नहीं है। जब बेल मिला है तो चारों तरफ से अपने पाप को छिपाने के लिए पाप कर रहे हैं। बेल मिला है, पाप किए हैं आपने, जबरन केस बनाया है आपने, जबरन केस बनाया तो वहां बेल मिला। सत्य को आप परास्त कर सकते हैं क्या? सत्य को आप नहीं पराजित कर सकते, परेशान कर सकते सत्ता का दुरुपयोग का। अगर देखा उधर भक्त पिट गया तो ले आया जाकर के पांच छह सरतर मारू में, फल्ला नहीं है, चिल्ला नहीं है। अरे भैया तुम कौन होते हो जी? भवन निर्माण को लाइए सामने, सेक्रेटरी को या जो उसने चार्ज दिया उसको लाइए। उसमें तेजस्वी जी के हटने के बाद कितने डिप्टी सीएम गए? मरहूम सुशील मोदी। बिल्कुल श्रुति यादव जी आपके पास आएंगे, शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जो आरोप लगाए जा रहे हैं शत्रुघ्न की तरफ से उसको बेबुनियाद बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि जो लिस्ट हैंडओवर किया गया सामानों का वो भवन निर्माण विभाग को भी सामने रखना चाहिए, अभी इसका जवाब क्या दे रहे हैं शत्रुघ्न? बिल्कुल देखिए, सम्राट चौधरी के जो लोग हैं, जो सहयोगी हैं, उनके पार्टी के नेता हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनका उनका ये आरोप है ये कि यहाँ से कई सामान गायब हैं और कई सामान को नुकसान भी पहुँचाया गया है। ये आप देखिए सामने, वो अभी देखिए वो एसी उखड़ा हुआ है या नहीं हुआ है ये। लेकिन ये हो सकता ना कि तेजस्वी यादव ने भी यहाँ पर अपना एसी खुद का खरीद के लगाया हो? अरे भाई ये देखिए, मैंने पहले बताया कि मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं वस्तु स्थिति से अवगत करा रहा हूँ। ये भवन निर्माण विभाग जवाब दे या तेजस्वी यादव जी बताएंगे। अब उसी में क्या, आप सोफा सेट मान लिया कि सोफा सेट रिप्लेस ही किए होंगे, सोफा सेट रिप्लेस किए होंगे तो उसके जगह पर नया सोफा सेट आया होगा, वो सोफा सेट कहाँ गया? लेकिन तो क्या ये पहले से सोफा सेट नहीं था? क्योंकि आप तो आप चल के देख लीजिए ना, उस सोफा सेट की स्थिति से आपको पता चल जाएगा कि उस पर तेजस्वी जी बैठते थे, उनका वीआईपी लोग बैठते थे या कौन बैठते थे, वो जाके सोफा स्थिति को देख लीजिए, सोफा को देख लीजिए, अपने पता चल जाएगा कि क्या है। कौन कौन प्रमुख सामान है जो आप लोग कह रहे हैं कि गायब है यहाँ, ये बताइए कि कौन सा प्रमुख सामान है जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कैमरा के अंदर? चलिए बिल्कुल, तो सम्राट चौधरी के सहयोगी तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं जिसका जवाब आरजेडी की तरफ से भी दिया गया है, बेबुनियादी से बताया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर को दिखाने के लिए और इस खबर को बताने के लिए शैलेंद्र आपका। चलिए बढ़ते आगे, देखिए लालू परिवार को, लालू प्रसाद को और उनके साथ साथ जो 9 आरोपी लैंडफोर्ड जॉब स्कैम मामले के हैं उनको बड़ी राहत मिली है। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई हुई जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई थी, और ऐसे में आज सशरीर उपस्थिति इनकी हुई, तेज प्रताप यादव भी बुलाए गए थे
और सभी को एक एक लाख मुचलके पर जमानत जो है वो कोर्ट ने दे दी है। तो एक बड़ी राहत जो है वो लालू परिवार के लिए इस लैंडफुल जॉब स्कैम मामले को लेकर के सामने आई है, जहां लालू प्रसाद सहित 9 आरोपियों को भी जमानत मिल गई है। दिल्ली के राउजविनी कोर्ट में लालू प्रसाद, उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जमीन के बदले नौकरी मामले में पेश हुए। ईडी ने इस केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने तीनों को समन भेजा था। लालू प्रसाद और उनके परिवार पर रेल मंत्री रहते हुए नौकरियों के बदले जमीन लेने का आरोप है। लैंडफुट जॉब मामले में पहली बार तेज प्रताप की पेशी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने लालू प्रसाद सहित 9 आरोपी को जमानत दे दी। राजनीतिक साजिश षड्यंत्र जो है वो बार बार ये लोग करते रहते हैं और जितने एजेंसी हैं उनका दुरुपयोग करते हैं। तो कहीं भी इस केस में मुकदमे में दम नहीं है और हम लोग भी जीतते हैं। और देखिए, लालू प्रसाद यादव सहित 9 आरोपियों की जमानत के बाद से आरजेडी खेमे में जश्न का माहौल है और कहा जा रहा है कि कोर्ट पर हमें विश्वास था और कोर्ट की तरफ से ये फैसला, ये टिप्पणी जो सामने आई है उसका हम स्वागत करते हैं। लालू भगवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू भगवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। गरीबों के मसीहा। और देखिए, एक तरफ जमानत मिली है लालू प्रसाद सहित 9 आरोपियों को, जेडीयू की भी प्रतिक्रिया इस मामले पर आई है, वो आपको सुनाते हैं। लालू जी और उनके परिवार के अन्य सदस्यों को राउजवेन्यू कोर्ट से लैंड फॉर जॉब मामले में मिले बेल को लेकर जनता दल यूनाइटेड का यही मानना है कि ये न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है और इसे कहीं से भी दोष मुक्त होने का प्रमाण पत्र नहीं माना जाए। और देखिए, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के एक और बड़ा जो पहल है, बड़ी पहल है, वो अब की जा रही है। बता दें कि कई ऐसे राज्य जो हॉटस्पॉट नक्सलवाद को लेकर बने हुए, वहां पर अब नक्सलवाद खात्मे के कगार पर है। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें तो बड़ी बैठक अमित शाह की, जिसमें इस बैठक के जरिए और बड़े ऑपरेशन चलाने को लेकर के रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। बता दें कि बैठक में नक्सल प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधि, गृह सचिव, आईबी चीफ, अर्धसैनिक बलों के डीजी, एनआईए डीजी सहित गृह मंत्रालय के भी अधिकारी जो हैं वो शामिल हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा और बिहार के डीजीपी आलोक राज सहित कई अधिकारी शामिल हुए हैं। बैठक के दौरान नक्सलियों के खिलाफ एक्शन प्लान बनाया जाएगा। साल 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का मोदी सरकार ने संकल्प लिया है। 4 जिले छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है, मैं विश्वास दिलाता हूं। और चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त, लेकिन साथ ही साथ हम आपसे अपील करेंगे कि न्यूज 18 बिहार झारखंड का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है यानी कि यूट्यूब, इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप तक खबरें आसानी से आपके मोबाइल पर पहुंच सकें।